पूरे देश को जनादेश का इंतजार है और एक्शन में सरकार है। कल ठीक इसी वक्त तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि देश की जनता ने अगले 5 साल के लिए किसे चुना है, लेकिन आधिकारिक नतीजे से पहले एग्जिट पोल ने बता दिया है कि आएंगे तो मोदी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी नतीजों को लेकर आश्वस्त हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी ने कल के जश्न की तैयारी कर ली है। जीत के बाद दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी मुख्यालय तक प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। पांच साल पुराने इस भव्य नजारे को एक बार फिर से साकार करने की तैयारी शुरू हो गई है। 2019 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे पीएम मोदी। आसमान से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। तब से अब तक कई बार ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जब किसी राज्य विधानसभा में बीजेपी के जीतने के बाद मोदी का पार्टी मुख्यालय में भव्य स्वागत हुआ। आज एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में मोदी के प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अनुमान जताया गया है। इसे देखते हुए बीजेपी ने कल के विजय जुलूस की भव्य तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कल नतीजे के बाद बीजेपी ने भव्य रोड शो की तैयारी की है। पीएम मोदी का यह रोड शो लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी मुख्यालय तक निकलेगा। सूत्रों के मुताबिक जीत को लेकर बीजेपी 100% आश्वस्त है और उसी के मुताबिक जीत को यादगार बनाने की तैयारी हो चुकी है। आज तक से बातचीत में खुद पीएम मोदी कह चुके हैं, मिशन 400 पार नारा नहीं हकीकत बनेगा। देश की जनता के लिए 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। पीएम मोदी का नारा आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक भी साकार होता नजर आ रहा है। आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 361 से 401 सीट जीत सकता है। इंडिया गठबंधन 131 से 166 सीट पर रह सकता है। अन्य के पास 8 से 20 सीट ही जा सकती है। 400 के पार होगा। 400 का पार का मतलब है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी पर 2/3 से कहीं अधिक 3/3 मत प्रकट करने का काम किया है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख। जब आप कोई इम्तिहान देते हैं तो नतीजों को लेकर हर परीक्षार्थी को धुकधुकी होती है, लेकिन पीएम मोदी आश्वस्त हैं। आखिरी दौर के प्रचार के बाद वो कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे थे। चेहरे पर 4 जून को लेकर असमंजस का कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि तीसरे टर्म को लेकर ध्यान से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। साल पहले मेरी पार्टी को कहा था, बड़ी मीटिंग में कहा था कि कैंडिडेट का इंतजार मत करो, आपका कैंडिडेट घोषित हो चुका है और वो है कमल। कमल ही आपका कैंडिडेट है और कोई कैंडिडेट है ही नहीं। ये जीत को लेकर भरोसा नहीं तो और क्या है। जब विपक्ष के तमाम नेता एग्जिट पोल को लेकर हाय तौबा मचा रहे थे, पीएम मोदी एक ही दिन में 7-7 बैठकों में व्यस्त थे। कल पीएम मोदी ने जहां अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में रेमल तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने गर्मी और लू पर भी समीक्षा बैठक की। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी बैठक की। इन बैठकों और कल के रोड शो की तैयारियों से साफ है कि नतीजों को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी में कोई शक सुबह नहीं है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।